संकट मोचक अस्पताल। ट्रॉमा सेंटर्स की पड़ताल। आपातकालीन स्थिति। आपदा की परिस्थिति। कितने आते हैं काम। ट्रॉमा सेंटर्स की रियल रिपोर्ट। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूँ शिल्पा रावत। जागते रहो में आज पड़ताल उन ट्रॉमा सेंटर्स की हम करने जा रहे हैं जो आपातकालीन स्थिति में संकट मोचक बनते हैं। जब किसी के साथ हादसा होता है, कहीं आग धधकती है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो सबसे पहले इन्हीं ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया जाता है। लेकिन लोगों को जीवनदान देने वाले ये ट्रॉमा सेंटर कितने फिट हैं, इसको लेकर हमने शहर शहर छानबीन की है। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी के ट्रॉमा सेंटर की कुंडली हमने निकालने की कोशिश की और जानने की कोशिश की है कि वाकई में इनकी स्थिति जो है, इनकी फिटनेस जो है वो बेहतर है। क्योंकि अमूमन जो केसेस होते हैं उसके बाद ट्रॉमा सेंटर का सबसे पहले रुख किया जाता है, और ऐसे में क्या इन ट्रॉमा सेंटर की हेल्थ बेहतर है ताकि औरों की हेल्थ सुधार पाएं, औरों के इमरजेंसी केसेस जो हैं वो यहां पर ले पाएं, कितनी सुविधाएं यहां पर हैं, कितनी तैयारियां इन ट्रॉमा सेंटर्स में हैं, इसी की पड़ताल आज जागते रहो में की जाएगी। और बारीकी से हम दिखाएंगे आपको कि ट्रॉमा सेंटर का हाल क्या है, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं ये किस तरीके से खुद जी रहे हैं, यानी कि कैसी व्यवस्थाएं इनकी तरफ से की गई हैं। अगर आपदा की स्थिति आ जाती है तो फिर ये ट्रॉमा सेंटर क्या आप लोगों के लिए तैयार है, वो तमाम चीजें तुरंत उस पेशेंट को उपलब्ध कराने के लिए क्या इनके पास माकूल इंतजाम है। ये ट्रॉमा सेंटर आज हमारे टेस्ट में फेल होते हैं या पास होते हैं, ये हम आपको जल्द ही दिखाएंगे। लेकिन ये सबसे पहले हम आपको बताएं, ये जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं, तमाम ऐसे केसेस आते हैं जो इमरजेंसी केसेस होते हैं वो सबसे पहले यहीं पर आते हैं। कहीं आग लग जाती है, कोई व्यक्ति उसमें जल जाता है, झुलस जाता है, तो सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर से ले जाया जाता है। और जाहिर है ये उस स्थिति में आ जाते हैं जहां पर ये संकट मोचक बन जाते हैं, यानी कि सेवियर बन जाते हैं। और ऐसे में ये सेवियर्स जो हैं वो कितने तैयार हैं, कितने मुस्तैद हैं ताकि ये दूसरों की जो लाइफ है उसको सुरक्षित कर पाए, जीवन को सुरक्षित कर पाए। और तमाम ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत इमरजेंसी होती है, किसी के सर पे चोट लग जाना, किसी को चाकू लग जाना, एक्सीडेंट केसेस या फिर चाकू छुरी के जो जख्म होते हैं वो, या फिर जलने के केसेस, गोली लगने के केस, सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर में ही उन्हें ले जाया जाता है ताकि सबसे पहले उन्हें फटाफट से इलाज दिया जा सके, ताकि उनकी लाइफ जो है, उनकी जीवन जो है वो बचाया जा सके। सबसे पहले यही कोशिश रहती है। तो ऐसे में ये तमाम जो केसेस आए दिन घटित होते हैं, वो केसेस के पेशेंट्स जो है वो ट्रॉमा सेंटर का ही रुख करते हैं, ट्रॉमा सेंटर उन्हें सबसे पहले ले जाया जाता है। लेकिन ये ट्रॉमा सेंटर्स खुद क्या हेल्दी हैं, खुद ये ट्रॉमा सेंटर क्या इस लायक है कि दूसरे के लिए संकट मोचक बन पाए, दूसरे के लिए सेवियर बन पाए, इसी की पड़ताल आज हमने जागते रहो में की है। और वही पड़ताल हम आपको दिखाएंगे आज। और अस्पताल के खास वार्ड्स कैसे काम करते हैं, आपातकालीन इलाज जो है वो यहाँ पर कितनी जल्दी दिया जाता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी तैनाती कितनी यहाँ पर है, और 24x7 इलाज की जो सुविधा है क्या वो वाकई में 24x7 है, और अलग अलग जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कितनी व्यवस्थाएं हैं, बर्न बॉडी, तमाम चीजें जो है उसकी जानकारी, उसकी पड़ताल आज हम जागते रहो में करने वाले हैं। तो उसी को लेकर हम आपको यहाँ पर तमाम चीजें जो हैं वो दिखाएंगे, उसकी पड़ताल हम करेंगे कि जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं ये कहीं खुद तो बीमार नहीं है। रात में हादसा हो, दिन में कोहरा मचे या कोई और अनहोनी हो जाए, आनन फानन में मरीज को ट्रॉमा सेंटर्स ले जाया जाता है। ट्रॉमा सेंटर में हाई फैसिलिटी उपलब्ध होती है जिससे कम समय में किसी मरीज का सफलतापूर्वक इलाज होता है।
साथ ही ट्रॉमा सेंटर के लिए अलग से स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो कि आपातकालीन मरीजों का इलाज करते हैं। यूपी के लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, मेरठ, शाहजहांपुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और आगरा जैसे शहरों में ट्रॉमा सेंटर्स हैं, जहां आकस्मिक परिस्थितियों में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया करवाने का दावा होता है। लेकिन इन ट्रॉमा सेंटर्स की असल तस्वीर कैसी है, आज जी मीडिया आपको दिखाएगा। हमारे रिपोर्टर्स ने दिन और रात में रियलिटी चेक किया, ट्रॉमा सेंटर्स के अंदर जाकर पड़ताल की, मरीजों को कितना इलाज मिल रहा है, कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, दवाओं के क्या इंतजामात हैं, कोई जांच करवानी है तो कैसी व्यवस्था है, हर एक तस्वीर जानने की कोशिश की। मरीजों, तीमारदारों, डॉक्टर से रियल रिपोर्ट पर बात की। पड़ताल की शुरुआत सबसे पहले राजधानी लखनऊ से। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में स्थित ट्रॉमा सेंटर के बाहर मरीजों के तीमारदारों की अच्छी खासी भीड़ दिखी, जहां दूर दराज से लोग अपने मरीजों को लेकर आए थे इमरजेंसी सेवाओं के लिए। लखनऊ का KGMU यानी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। एक वृद्ध है जो यहां पर अभी एम्बुलेंस से आए हैं, चारों तरफ आपको यहां पर एम्बुलेंस नजर आएगी। और ये ट्रॉमा सेंटर का जो गेट है, जिसके अंदर जो सिक्योरिटी है, जाने की अनुमति, पड़ताल करने की अनुमति नहीं दे रही है कि क्या कुछ स्थिति ट्रॉमा सेंटर में है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है, शिकायतें होती हैं कि ट्रॉमा सेंटर में समय पर इलाज लोगों को नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ की भी तस्वीर अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि दिखाएं कि जो एम्बुलेंस है वो दूर तक यहाँ पर खड़ी हुई है, इस रास्ते से गाड़ी आती है और यहाँ से अंदर ट्रॉमा सेंटर में ले जाने का काम यहाँ पर लोगों को किया जाता है। हालांकि हम अंदर जाकर भी लोगों से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन ट्रॉमा सेंटर प्रबंधन ने इजाजत नहीं दी, तो हम बाहर बैठे लोगों से ही सुविधाओं का हालचाल लेने लगे। भाई साहब, कितने दिनों से हैं आप लोग यहाँ पे? 3 दिन से। 3 दिन से मरीज आपका एडमिट है अंदर? जी। इलाज सही चल रहा है? हाँ, इलाज तो सही चल रहा है। आप लोग क्या यहीं बाहर ही स्टे कर रहे हैं क्या? जी। कैसे, मतलब जब अंदर गए लेकर, तो क्या दवाइयाँ अंदर से दी गई कि बाहर से भी लिखी गई? सब अंदर से। अंदर से जाँच वगैरह? अंदर ही होता है। आज से अंदर से हुई है। माता जी, आप लोग कहाँ से आए हो? काकोरी। काकोरी से आए हो। कौन एडमिट है आपका? दमाद। कितना टाइम हो गया? वो दमाद के रात के 2 बजे यहाँ लाए, एक्सीडेंट हुआ, हम लोगों ने पता नहीं रहा, कोई खबर नहीं, दिन का 9 बजे। आप लोग कब से हैं यहाँ? 9 बजे खबर मिली, हम लोग यहाँ 10 बजे आ गए हैं। 10 बजे से? हाँ। ये बात तो अंदर कुछ खबर है, कैसा इलाज चल रहा है? अबे इलाज का है, खून मंगाए नहीं, बहुत दिन का है, एक बोतल चढ़ा है सफेद। ट्रॉमा सेंटर में जब हमने दवाओं और जांच को लेकर तीमारदारों से बातचीत की, तो उनका कहना था कि कुछ दवाएं बाहर से लाने के लिए भी कहा गया है। तो जब आप एडमिट कराए थे, समय पे उपचार शुरू हो गया था क्या? हाँ, थोड़ा देर लगा के उपचार चालू हो गया था। अभी ठीक है आपके मरीज? हाँ, लगभग काम चल रहा है, अभी ठीक, पूरे पूर्ण रूप से नहीं ठीक है। एम्बुलेंस वगैरह समय पर आ गई थी, पहुँच गई थी? लेकिन हाँ, एम्बुलेंस तो सही से पहुंच जाती है, समय से पहुंच जाती है, फोन करने से टाइम तो लग ही जाता है। जाँच वगैरह जो अंदर होती है, अंदर ही हुई कि आपसे बाहर से लिखी गई थी? कुछ बाहर से भी होती है, कुछ अंदर से भी होती है। दवाइयाँ दी गई थी क्या अंदर? कुछ अंदर से मिलती है, कुछ बाहर से लिखते हैं। अच्छा, बाहर से भी लिखते हैं, जांच बाहर से भी कराएंगे? हाँ, बाहर से भी होती है। उपचार सही चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है, अभी उपचार है। देखिए, ये बता रहे हैं कि कुछ दवाइयाँ अंदर से दी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ बाहर से भी लिखने का काम किया जाता है, जांचें भी बाहर से इनके कराई गई। हालांकि कुछ मरीजों ने ये भी माना कि इलाज तुरंत शुरू हो गया, दवाएं भी सब मिल गई। जब आप उनको लेकर आए यहाँ पे, तो तुरंत उपचार शुरू हो गया? बिल्कुल, अभी अंदर ही गई हैं। क्या हुआ है आपके पेशेंट? वो गिर गई है जीने से। हाँ, डॉक्टर ने कहा ट्रामा ले जाइए। ट्रामा लेकर जाइए। यहाँ उम्मीद है कि इलाज समय पर शुरू हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सुविधाएं हैं सब यहाँ? बिल्कुल सब सुविधाएं हैं, तुरंत स्ट्रेचर मिल गया, तुरंत ही हो। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में व्यवस्थाओं का ये हाल देखकर हम हैरत में थे, क्योंकि कुछ तीमारदारों ने बाहर से दवाएं खरीदने की शिकायत की। ऊपर से ठंड में बाहर रहना तीमारदारों के लिए त्रासदी से कम नहीं है। एक परिवार यहाँ पर मौजूद है जिनके जो मरीज अंदर हैं, उनका ऑपरेशन होना है। इनका कहना है जांचें तो अंदर से कराई गई, इमरजेंसी में लेकर पहुंचे थे, लेकिन कुछ जो दवाइयाँ हैं वो अंदर मौजूद थी, जो दवाइयाँ अंदर मौजूद नहीं थी उनको बाहर से डॉक्टर्स ने यहाँ पर रिकमेंड किया है। तो ये स्थिति फिलहाल ट्रॉमा सेंटर की है कि कुछ सुविधाओं को लेकर कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं कि उनको समय पर सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कतें इस बात की ज़रूर है कि जांचें बाहर से कराई गई, दवाइयाँ बाहर से लिखी गई, समय पर इलाज नहीं
शुरू हुआ, तो ऐसे में देखने की जरूरत ये है कि जो लोग इमरजेंसी में आते हैं उनके लिए तुरंत उपचार शुरू हो। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।